खबर मेरठ से है, जहां एक गांव में कंपोजिट विद्यालय में आदर्श अध्यापक मेधावी छात्र खोज प्रतियोगिता एवं विज्ञान क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3, 4, 5 के छात्रों ने न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिभाग किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। दरअसल ये पूरा मामला आजमपुर गांव का है, जहां प्राथमिक विद्यालय में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में हिस्सेदारी करते हुए प्रतिभाग परीक्षा की व्यवस्था खंड शिक्षा अधिकारी राजमोहन की उपस्थिति में समाप्त हुई। इस मौके पर मुख्य रूप से विनय कुमार शिप्रा विश्नोई ने बताया कि परीक्षा एवं सफलता पूर्वक समाप्त हो गयी। उक्त परीक्षा फल को शुक्रवार को घोषित किया गया। परीक्षा तृतीय एवं अंतिम चरण जिला स्तर पर सम्पन्न होगा। जिला स्तर पर सफल छात्र छात्रा को गणतंत्र दिवस के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। आज हमारे ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय आजमपुर में एक मेधावी छात्र परीक्षा का आयोजन किया गया है, और ये परीक्षा प्रशासनिक स्तर पर अरेंज की गई थी और बहुत ही सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई है। अब इसका मूल्यांकन चल रहा है। इस परीक्षा में सबसे पहले स्कूल लेवल से जो मेधावी छात्र थे उनको सेलेक्ट करके NPRC स्तर पर आज उनकी परीक्षा आयोजित की गई है, जो ब्लॉक स्तरीय हो गई है आज। इसके पश्चात यहाँ से हर कक्षा से 3-3 बच्चे सेलेक्ट करने के पश्चात जिला स्तर पर जाएंगे। जिला स्तर पर भी इसी तरह से परीक्षा का आयोजन होगा। प्रश्न पत्र वगैरह सारे ही जिला स्तर से सेंड किए जाते हैं और मूल्यांकन के लिए की भी वहीं से ही आती है, आंसर की भी वहीं से ही आती है। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा को संपन्न कराने के पश्चात फिर ये मंडल स्तर पर होगी, और मंडल स्तर पर जो भी परिणाम हमारे आएंगे, जो भी हमारे मेधावी छात्र सेलेक्ट होंगे, उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को, उनके अध्यापकों को भी आगामी गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2022 पर हमारे कमिश्नर महोदय द्वारा एक बहुत ही अच्छे उत्सव में उनको सभी को सम्मानित किया जाएगा। और ये सब प्रणाली इसलिए विकसित की गई है कि समाज को भी जो उनके मन में भ्रम था कि हमारे सरकारी विद्यालय में काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, इस तरह से उनके मन में जागरूकता पैदा करी जा रही है कि हमारे सरकारी विद्यालय भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर भी विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि आपके बच्चे का पूर्णतया व्यक्तित्व विकास हो सकता हो।